नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस वीडियो के मार्फत कि टीसी और प्रवेश का चालान किस प्रकार से बनाते हैं। उसके लिए कोई सा भी ब्राउज़र खोल के उस पर इस ग्राफ टाइप करेंगे और एक नया पेज खुल जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका ई ग्राफ है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर आप नए यूजर हैं, पहले ये फॉर्म न्यू यूजर के ऊपर क्लिक कर आप यूजर आईडी बनाएंगे, उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाके आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद एक नया पेज खुल गया है अपने पास। यहाँ पर आपका ऊपर प्रोफाइल लिखा हुआ है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना एक क्रिएट प्रोफाइल शब्द आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शिक्षा विभाग से हैं तो सेकेंडरी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेजर हेड जो दे रखा है, ये मेजर सेलेक्ट प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, जिसमें अपना जो चालान का हेड देगा 02020102010100 ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मैनुअल या ई बैंकिंग। आपको मैनुअल ही कर सकते हैं और ई बैंकिंग भी कर, मैंने मैनुअली को क्लिक किया है। उसके बाद एक नया पेज खुल गया है बैंकिंग के बाद। यहाँ पर आप राशि भर लेंगे। राशि भरने के बाद आप अमाउंट भरने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पर बैंक सेलेक्ट, इसमें कैश और चेक दोनों में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट बैंक, आपके आसपास जो भी बैंक है आपके नज़दीकी, इनमें जो भी बैंक दे रखे उनमें से आपको कोई भी सेलेक्ट करना है। मैंने PNB एनीवेयर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि PNB कोई से भी हो वहाँ पे हम जमा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर रिमार्क्स डालेंगे। रिमार्क्स के अंदर आपको TC एंड प्रवेश अमाउंट, शैक्षणिक सत्र आपका 2020-21 जो भी सत्र आपका होता है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद इसके नीचे एक सबमिट बटन दिया हुआ है, उस सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे एक नया पेज इस प्रकार से खुल जाएगा जिसमें हमने राशि भरी वो आ जाएगी, और इसके नीचे आपका लाल अक्षरों में डाउनलोड शब्द लिखा आ रहा है। इस डाउनलोड के ऊपर हमें क्लिक करना है। उससे पहले सारी एंट्रीज आप चेक कर सकते हैं और फिर डाउनलोड आप इसको करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास 3 फॉर्मेट के अंदर ये इस प्रकार से 3 प्रति में चालान सामने आ जाता है। इसकी हमें प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेकर DDO के साइन करवाने हैं, और DDO के साइन होने के बाद आपको उस बैंक में जमा करवाना है। जमा कराने के बाद इसको आप कैशबुक में खता कर आपकी जो भी राशि है, अमाउंट है, उसको आपको नील कर देना है, अन्यथा ये राशि आपकी बोलती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।